वहीं कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य हत्याकांड को लेकर दुर्ग में मेडिकल कॉलेज विद्यार्थियों ने कैंडल मार्च निकाला, जिसमें वेटरनरी कॉलेज दुर्ग, अंजोरा भारतीय विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज के छात्र सहित मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े विभिन्न कॉलेजों से आए छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और सभी ने जल्द महिला डॉक्टर के हत्यारे को सजा दिलाने की मांग। आज यहाँ पे दुर्ग भिलाई के सभी जितने भी डॉक्टर्स हैं, आयुष के, वेटनरी के एवं अन्य डिपार्टमेंट के सभी डॉक्टर्स यहां पे उपस्थित हुए हैं हमारी बहन को श्रद्धांजलि देने के लिए। जो वेस्ट बंगाल में दुर्घटना घटी है, ये पूरे देश के लिए शर्मसार की बात है। हमारे देश का ये संस्कृत में बोला जाता है, यस्य नार्यन्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती वहीं देवता भी आते हैं। और ये कैसा हमारा देश हो गया है आज, कैसे हमारे लोग हो गए, कैसी मानसिकता हो गई है कि एक डॉक्टर जो सारे लोगों की जिंदगी को बचाती है, आज उसी बहन के साथ इतना अमानवीय कृत्य हुआ है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और हमें गवर्नमेंट से यही मांग है कि जितनी जल्दी हो सके हमारी बहन को जस्टिस मिलना चाहिए। और जो हम लोग सारे जूनियर्स डॉक्टर्स और मेडिकल के छात्र छात्राएं हैं, जो कि वेस्ट बंगाल कोलकाता में डॉक्टर्स के साथ में जो क्रूर हत्या किया गया है, उनके साथ में रेप करके, उसके लिए हमने कैंडल मार्च निकाला है और श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पे सारे लोग उपस्थित हुए हैं। और हम चाहते हैं कि जो रेपिस्ट हैं वो जल्दी से पकड़ाएं, ताकि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएं। यहाँ पे हम लोगों की सेवा के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और हमारे साथ इतनी गलत चीज़ें होती हैं जो लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं, उसमें कुछ जांचें नहीं होती है, हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। हम चाहते हैं कि फांसी की सज़ा हो, ताकि आगे कुछ इस टाइप के अनहोनी किसी बेटी, किसी बहन या किसी के साथ में ना हो करके। लेकिन हमारा कोई भी सुनवाई नहीं किया जाता है और ऐसे ही रेपिस्ट को छोड़ दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा हो। और मैं डॉक्टर दामिनी धीर है, BMS फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ।